2.28 कहता है कि शो दैट द फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू हाफ क्यू इन टू ई, वेयर क्यू इज़ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ई इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द फैक्टर हाफ। उन्होंने कुछ आंसर दिया होगा, समझ में नहीं आया क्या लिखा उन्होंने। देखिए लॉजिक क्या है, ये कह रहे हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, फोर्स अट्रैक्शन रिपल जो भी आप कहें अट्रैक्ट करती हैं, एक फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं, तो जो और हर एक को चार्ज कितना दिया गया है क्यू, यानी कि इसमें प्लस क्यू दे दिया गया तो इसके अंदर वाली प्लेट कितना हो गया माइनस क्यू। तो ये कह रहे हैं जो फोर्स इनके बीच प्लेट के बीच में लग रहा है फोर्स, वो होता है हाफ क्यू इंटू ई, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। तो ये प्रूफ करना है कि ये फार्मूला होगा, है ना। और आगे कह रहे हैं कि भैया ये हाफ जो है ना ये कहाँ से आ गया, क्योंकि देखिए इस प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई चार्ज को ही फोर्स कहते हैं। भाई फोर्स का फार्मूला क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हाफ कहाँ से घुस गया करके, ठीक है। तो वो तो बात की बात है, वो बाद में हम बात करेंगे, पहले इसको प्रूफ, इसके दो तरीके से इसको प्रूफ किया जा सकता है। पहला तरीका है कि जब ये प्लेट फार्म हुई इनके बीच, तो इनके में एक प्लेट रखी गई, हमने कैपेसिटर बनाने का तरीका बताया था कि कैपेसिटर में दूसरी प्लेट का काम क्या है, अगर आपको याद हो तो, नहीं याद है तो फिर बात ही अलग है। हमने बताया था कैपेसिटर में दूसरी प्लेट का काम क्या होता है, याद है, बोले ऐसे तो हैं नहीं, नहीं नहीं, वो हमने बताया था वो हाजमोला काम करता है, इससे पेट में ज़्यादा खा लो तो हाजमोला काम करता है ना, वो हाजमोला काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर देता है। इसको छोड़िए, जब आपने एक प्लेट रखी, जब दूसरी प्लेट को रखते हो तो दूसरी पहली प्लेट को आपने चार्ज दिया प्लस क्यू, क्या दिया आपने प्लस क्यू, दूसरी प्लेट न्यूट्रल होती है, कोई चार्ज नहीं होता है। जब वो इस वाली प्लेट के नज़दीक आती है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके पॉजिटिव चार्ज के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं। अरे दादा सलमान खान ऐसे देखने लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाता है, यानी ये पोलराइज हो जाती है, इसको इंडक्शन कहते हैं, इंडक्शन के द्वारा ये पोलराइज हो गई, ठीक है। एक मिनट, तो जब दूसरी प्लेट को हम पास लेके आते हैं तो ये इसको अट्रैक्ट करती है, ठीक है, यानी ये प्लेट इसको क्या कर रही है, तो इसको इस प्लेट को इसमें चिपक जाना चाहिए, लेकिन चिपक तो रही नहीं है, थोड़ी दूरी पर रखी हुई है। और हमने कहा था जब दो बॉडी के बीच में फोर्स काम करता है और बॉडी फिर भी एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है तो उनके बीच में एक एनर्जी होती है, उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जब कैपेसिटर फार्म किया तो इसके प्लेट के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी है। फॉर्मूला क्या प्रूव कराया गया था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसको हमने कहा था पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में ऊर्जा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इसकी प्लेट की दूरी को बढ़ाएंगे, प्लेट की दूरी को बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, कुछ होगी, बढ़े घटे की बाद में बात करेंगे। जब इसको बढ़ाएंगे तो एनर्जी कुछ चेंज होगी, ठीक है, और एनर्जी बराबर वर्क होता है, और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ से हम निकाल लेंगे इसकी वैल्यू, नहीं समझे। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट इसका है, हाफ कहाँ से आएगा वो तो बात की बात है, ज़रा समझिएगा, है फोर्स ही तो निकालना है, नहीं कॉन्स्टेंट क्यों रहेगा, उस डिस्टेंस के लिए कॉन्स्टेंट। देखो ध्यान से, हमने कहा सपोज करिएगा कि डी प्लेट के बीच की दूरी है और इस प्लेट का एरिया ए है, यानी एरिया ऑफ प्लेट कितना है, एरिया ऑफ प्लेट, प्लेट ऑफ कैपेसिटर कितना है ए, और डिस्टेंस प्लेट के बीच कितनी है स्मॉल डी, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया गया था, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी इतनी है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, सेकेंड प्लेट को हमने dx डिस्प्लेस कर दिया, यानी इस प्लेट को यहाँ ले आए, कितना डिस्प्लेस कर दिया dx, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी चेंज हो गई ना। तो व्हेन द वन प्लेट इज डिस्प्लेस्ड, व्हेन वन प्लेट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू dx, देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है,
जब आप इसको dx बढ़ाओगे तो इसका वॉल्यूम कितना चेंज होगा, a into dx, और यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, यानी कि हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू डीएक्स इंटू ए, ये तो एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। और एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, वर्क, वर्क का मतलब फोर्स इंटू, इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, एफ इंटू डीएक्स बराबर हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डीएक्स। तो डीएक्स डीएक्स कैंसिल हो गया, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू ए। अब आप कहेंगे वाह वाह आंसर नहीं आया, ले अब क्या करेगा, अब तो आंसर ही नहीं आया, तो आंसर सर्च करके लाओ ना, इसमें किसी को सर्च करो, इसमें कोई चीज कैंसिल होगी जाकर, हैं क्या हो गया, फोर पाई कहाँ से आ गया, ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो यानी और ई बराबर सिग्मा क्या होता है, क्यू अपान ए इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यानी कि इसमें हम हाफ एप्सिलॉन नॉट लिखा रहने दो, एक ई को अलग कर दो और एक को लिख दो क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ए ए गई ई ई गई, तो एफ बराबर क्या आ गई, हाफ इंटू ई इंटू क्यू, हो गया फोर्स। अब आप कहेंगे आंसर तो ये है भाई साहब, देखिए आंसर तो यही अभी भी है, लेकिन जब हमें कोई फॉर्मेट चेंज करना होता है ना तो उसी हिसाब से लाना पड़ता है ना, तो ये आपका नोट करिए इसको। अब ये तो प्रूफ हो गया, इसमें लिखा हाफ कहाँ से आया, तो आप लिखेंगे हाफ क्वेश्चन में दिया गया था, कहाँ से आया, अपने आप आ गया। अब जरा समझिएगा क्वेश्चन को, हमने ध्यान से समझा नहीं, अब मैं एक बहुत बढ़िया सस्ता तरीका बताता हूँ इसका, सस्ता तरीका इसका क्या है जरा समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या ही क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 2.28, क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट द फोर्स ऑन ईच प्लेट, हर एक प्लेट पे फोर्स निकालना है, दोनों प्लेटों पे नहीं निकालना है। देखो ध्यान से, ये जब हमने प्लेट लगाई, ये दो प्लेटें हैं, अब कैसे बनाए थे हमने बताया था, ये प्लस क्यू चार्ज दिया हमने, तो इस प्लस क्यू ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया होगा इवन, किधर, प्लस से दूर, ये किया होगा ना, और जब ये जब इंडक्शन से इसके अंदर माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो गया तो इसने भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया ई टू डायरेक्शन माइनस की ओर, ये प्लेट नंबर वन है और ये प्लेट नंबर टू है, तो आपका एक्चुअली ई वन और ई टू दोनों कैसे होंगे, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, दोनों का एरिया सेम है, तो सब कुछ सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपको बताया गया है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप पढ़े हो वही तो ई पढ़े हो, इसका मतलब ये ई वन ई टू किसके इक्वल हो जाएगा, ई बाई टू, क्योंकि आपसे ये नहीं कहा गया नेट फोर्स, उन्होंने कहा जो है प्लेट वन पर फोर्स प्लेट टू की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लिया जाएगा, जो फोर्स लगा रहा होगा, तो जो हम निकालेंगे फोर्स ऑन प्लेट वन ड्यू टू प्लेट टू, प्लेट वन पे फोर्स निकाल रहे हैं एफ बराबर, तो प्लेट वन पे फोर्स क्यों लग रहा भाई, इस नेगेटिव प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई टू, ये इस पर फोर्स लगा रहा है ना, ई टू इंटू चार्ज क्यू, क्यू कैपिटल लिखा है तो कैपिटल मान लो, और ई टू की वैल्यू क्या है, हाफ ई इंटू क्यू, ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया, यही निकालना था आपको, हाफ कहाँ से आया, तो आप लिखेंगे एक्चुअली हाफ इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वन प्लेट, ई क्या है यहाँ पर, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इफेक्टिव फील्ड क्रिएटेड बाई फर्स्ट प्लेट एज वेल एज सेकेंड प्लेट, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक प्लेट की, तो एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिया जाएगा, आधा, नहीं समझे, इसने इसको अट्रैक्ट किया, इसने इसको अट्रैक्ट किया, नहीं समझे, समझ में बात आ रही नहीं आ रही है, अब इतना गहराई मत जाइए, हाँ तो E2 यूज कर लीजिए, E2 का कैलकुलेशन नहीं है, जब आप वहां वो कह रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो हमको E2 के लिए टर्म में लिखनी पड़ेगी ना, E2 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, क्यों होना चाहिए, ये फोर्स किस पर लग रहा है, वन पे लग रहा है ना, कौन लगा रहा है, टू लगा रही ना, ड्यू टू प्लेट टू, तो टू बाई फील्ड तो काम कर रहा है, ये नेगेटिव का फील्ड तो इसको खींच रहा है अपनी ओर, नहीं समझे, एक प्लेट पे दूसरी प्लेट फोर्स क्यों लगा रही है,
अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और ये जब खींचेगा इसको तो ये ईवन की वजह से खींचेगा, इसीलिए हाफ आ गया है, क्योंकि यहाँ पर ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट वन, दैट इज हाफ ऑफ ई, समझ में बात नहीं आई है। तो ये नोट कर लीजिएगा, आज की मुलाकात बस इतनी, ठीक है।